JK247 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। अगर हम बारामूला की बात करें तो मंशात सरोज वहां पर पकड़े गए हैं और दो अलग अलग वारदात में जो है ये मंशात सरोज पकड़े गए हैं और इनके पास क्या रिकॉर्ड हुआ है, इसके साथ हम चलेंगे मजीद तफसीलात जानने के लिए विदिन के पास। विदिन हमें बताइए क्या मजीद तफसीलात है। जी सर, बात करते हैं मंशात, जहां बारामूला पुलिस इन मंशात सरोजों के ऊपर हम पूरी तरह शिकंजा कसी हुई है, वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला से आ रही है, जहां पुलिस ने किए दो मंशात सरोज गिरफ्तार। मंशात से मंशात की फितर को खत्म करने की कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने किए दो मंशात सरोज आज बारामूला से गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन बिजामा की पुलिस पार्टी जिसकी सरपाई ऐसे जो पुलिस स्टेशन बिजामा कर रहे थे, एक नाका लगाया गया था नूर खान में, जिसको रोका गया कि तलाशी के दौरान तलाशी जिसके कब्जे से 70 ग्राम चर्च कॉन्ट्रोबैंड सदस्य बरामद की गई, जिसकी शिनाख्त दिलशाद अहमद वार सना गुलाम कादर वार रहने वाला ये रची पोरा के तौर पर हुई। पुलिस स्टेशन बिजामा में इसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया, FIR नंबर 03/2024 अंडर सेक्शन 8/20 NDPS एक्ट के तहत, यानी कि नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे मंशात सरोज के हवाले से, दूसरे मंशात सरोज को पुलिस ने किया हुसन पटन इलाके से गिरफ्तार। पुलिस पोस्ट हुसन की एक पुलिस पार्टी जिसकी सरबराई इंचार्ज पुलिस पोस्ट हुसन कर रहे थे, एक नाका लगाया गया था नूरबाग क्रॉसिंग पे, हुसन के नूरबाग क्रॉसिंग पे एक मुश्तबा शख्स को इसको रोका गया जिसकी तलाशी की दौरान तलाशी इसके कब्जे से 3.1 केजी कैनबिस पाउडर बरामद किए गए, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद लतीफ तेली सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ तेली रहने वाला हुसन कोई के तौर पे हुई। FIR नंबर पुलिस स्टेशन पटन में केस भी दर्ज किया गया, FIR नंबर 62/2024 अंडर सेक्शन 8/20 NDPS एक्ट के तहत। वहीं अगर हम बात करते हैं बारामूला पुलिस के हवाले से, तो बारामूला पुलिस के काम को सराहना करना चाहिए क्योंकि ये इन मंशात सरोजों को सलाखों से पीछे धकेल रही है। अगर पिछले साल के हवाले से बात करें तो पिछले साल करीब 464 मंशात सरोजों को सलाखों से पीछे धकेल दिया, जिसमें 264 ऐसे मंशात सरोज है जिनको NDPS एक्ट के तहत, यानी कि नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया, और 75 ऐसे समग्र जिनको कहते हैं उनको NDPS एक्ट के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलसेट ट्रैफिकिंग नॉर्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत। जब भी बारामूला पुलिस किसी भी मंशात सरोज को गिरफ्तार करती है तो अपने एक प्रेस नोट में एक दरखास्त करती है आम लोगों से कि अगर वो अपने आसपास कहीं पर भी मंशात सरोज ही देखे या कोई और जुर्म देखे तो बिना झिझक करीबी पुलिस पोस्ट से रब्ता करे या 112 पे कॉल करे। अगर इस साल के जनवरी फरवरी के महीने के हवाले से बात करें तो जनवरी फरवरी के महीने में भी बारामूला पुलिस ने करीब 62 मंशात सरोजों को सलाखों के पीछे धकेल दिया, जिसमें 55 को NDPS एक्ट के तहत और 7 ऐसे मंशात सरोजों की हॉट पर मंशात सरोज है जिनको फिट NDPS एक्ट के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया, जिसमें एक खातून भी है। और इस साल के जनवरी फरवरी के महीने के हवाले से बात करें तो इस साल के जनवरी फरवरी के महीने में करीब 1 करोड़ के करीब इन मंशात सरोजों की प्रॉपर्टी सीज की गई। जी सर जी, शुक्रिया नदीम हमसे बात करने के लिए। तो दो अलग अलग जगहों से आप ये देखा कि मंशात सरोज जो है पकड़े गए हैं और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है बारामूला पुलिस को, और बारामूला पुलिस का ये अहद है कि ये ड्रग फ्री बारामूला उनको करना है। और अगर हम देखें वादी के हर अतराफ में अगर हम देखें तो वहाँ पर पुलिस इस वक्त कदगन लगाई हुई है ये जो ड्रग सरोज है इनके खिलाफ, और मंशात जो विधक है ये कलाकमा करने के लिए तो आपको इस पर और भी जानकारी देते रहेंगे। आप जुड़े रहें JK247 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।